एडी लाइव में आपका स्वागत है। मैं शिवम, हम मौजूद हैं महाराजगंज में। दिखाएंगे महाराजगंज की पूरी विकास की, क्या विकास हुई है महाराजगंज में, उसकी पूरी हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम दिखाएंगे महाराजगंज जो गांधी मैदान है उसका नज़ारा क्या है। महाराजगंज की जो थाना की स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है। महाराजगंज की सड़क की जो स्थिति बता रहे हैं, महाराजगंज के राजेंद्र चौक से लेकर पसनौली सड़क तक की स्थिति है काफ़ी दयनीय है। लोग बराबर यहाँ पे अनशन पर हो हड़ताल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी अनशन तोड़वाए थे, बोले थे कि इसी माह में काम लग जाएगा, लेकिन आज माह का अंतिम तारीख है, अभी तक काम नहीं लगा है। इसी को लेकर इसके बाद कुछ यहाँ के आम जन से हम बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि महाराज की विकास की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो सड़कें हैं झील में तब्दील हो गई है, जो थाना परिसर है वही तालाब बन गया है। गांधी मैदान तो लग रहा है कि भोजपुरी में कहे पोखरा तो वहीं पोखरा बन गया है। पूरी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्टिंग आज दिखाएंगे महाराजगंज की। लेकर आप क्या कुछ कहिएगा, क्या कहेंगे यहाँ के? हम तो पहले यहाँ के जनता को बोलेंगे कि महामूर्ख है जी, और नेता और यहाँ के प्रशासन भी महामूर्ख है जी। इसके लिए हम लोग लड़ाई आज से ही लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम लोग सालों भर से लड़ रहे हैं। मैं और मेरे साथ में हमारे मित्र अंगद बाबा हैं, हम लोग दोनों आदमी लड़ रहे हैं। लोगों को हमारे लोग हम लोगों से एक कंप्लेंट हमेशा मिलती है, क्या जी आप लोग क्या हुआ रोड के लिए? हम लोग कहते हैं रोड जैसे आप लोग हैं वैसे जनता है, वैसे आप लोग कि यहाँ के जो नेता लोग हैं प्रशासन है। तो आप लोग इसका अभी अनशन में बैठे हुए थे लोग, तो माननीय विधायक जी आए हुए थे खुद और सांसद महोदय कॉल किए थे कि इस माह में कम लग जाएगा, और आज 31 तारीख हुआ, 6 बजे अभी तक काम सब नहीं चोर हुआ। है नेता यहाँ के, सांसद चोर है, विधायक चोर है, यहाँ के सब लोग चोर हैं। ये लोग क्या कहेंगे, कोई भरोसा नहीं इनकी। तो क्या फिर आप लोग अनशन में बैठेंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम लोग अनशन पर नहीं, हम आंदोलन करने वाले जा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो दावा किए थे कि इस माह के 1 तारीख को काम लग जाएगा। ये चोर लोग क्या दावा करेंगे सर, झूठे लोग बोलते हैं, लोगों को बुरबक बनाते हैं। हमारे पब्लिक इनोसेंट लोग हैं जो अपने इनके बातों में बहकावों में आकर वोट देते हैं, लोग जीत के चले जाते हैं। आपका पर्चे सर? मैं भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त नायक सुबेदार इक्विवेलेंट टू यहाँ के इंस्पेक्टर रैंक के बराबर हमारे रैंक है। मैं 17 साल 9 महीना 13 दिन में मैं ऑन रिक्वेस्ट पर रिटायरमेंट आ गया। मैं ये बहुत भयानक है, इसको लेकर यहाँ की आम जन है, क्या कुछ कहिएगा? जनता को दिक्कत तो ये है, लोग देख रहे हैं, विधायक जी से बात हुआ था तो वो बोले थे कि इस महीने का अंत तक काम लग जाएगा। इसी आश्वासन को हम लोग रामदेव बाबा जो अनशन पर बैठे हुए थे उनको हम गए अनशन करवाया, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा, इसलिए बहुत खेद विषय है। अब आगे हम लोग क्या कहें, उम्मीद से भी हम लोग उम्मीद भी छोड़ते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था देख के हम लोग को दयनीय है ही। अब आगे देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं। लोग कई बार प्रदर्शन किए हैं, अनशन पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है, उसके चलते विधायक जी और एमपी साहब भी कुछ जिम्मेदार है, हम लोग को एक्टिव नहीं है शायद, नहीं तो ऐसी नई परिस्थिति नहीं आती हमारे समझ से। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया है, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है, जो खुल जाएगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह महीना भी पार पर चला गया। अब आगे देखिए क्या होता है, आपको हम लोग समझ से पड़ेगी बात। आपका परिचय?
जी, मैं महाराजगंज के ये मुख्य सड़क है, इसके लिए मैं लगातार 4 दिन तक अनशन पर बैठे रहे और इस पर स्थानीय विधायक ने यहाँ पर आकर के हमको अनशन तोड़वाया, आश्वासन दिए कि इस माह में हर हाल में कुछ भी हो जाए इस माह में काम लग जाएगा, लेकिन ये महीना पूरा ख़त्म हो चुका है, आज 31 तारीख हो चुका काम नहीं लगा। लेकिन हम उस समय बोले थे उनसे कि अगर इस महीने में काम नहीं लगता है तो हम अगले महीना में फिर से हम इसके लिए अनशन आंदोलन कुछ भी करें करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन ये साफा झूठा साबित हुआ। सांसद महोदय जी भी बोले थे फोन पर दूरभाष के माध्यम से कि इस माह में हर हाल में काम लग जाएगा, जबकि ये रोड का काम ये सरकार की ओर से ये लेबर लोगों को नौकरी रोजगार देने के लिए ये सभी जगहों पर काम चालू है, और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये लॉकडाउन में बंद है इस काम को, नहीं इस काम बंद नहीं है, हर एक जगह चालू है, हर एक जगह काम हो रहा है, लेकिन ये लोग सिर पर सिर वादे कर रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब इसके लिए अब हम जी जान कुछ भी लगाना पड़े, जान भी देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन अब इसके बाद कुछ भी होगा हम अनशन पर जब बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे तो हटेंगे नहीं जब तक रोड में काम लगेगा नहीं, तब तक कुछ भी हो जाए कोई भी आ जाए। आप अनशन पर बैठे थे, यहाँ के सांसद महोदय विधायक महोदय जो भी हो आपको आश्वासन दिए थे कि इस माह में काम लग जाएगा, आज 31 तारीख है, अभी हमको लगभग 5 बज चुका है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, आगे क्या फिर आप अनशन पर बैठेंगे? जी, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और अब आंदोलन जो करेंगे ये कुछ भी अमरण अनशन रहेगा, कुछ भी हो जाए कोई भी आ जाए जब तक इसमें काम नहीं लगेगा तब तक हम उठने वाले हटने वाले नहीं। इसी समय था अनिश्चितकालीन अनशन, लेकिन ये लोग आश्वासन दिए, पूरा विश्वास दिए और वीडियो ऑडियो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ और इन लोग का कुछ भी नहीं है, पेपर में भी आया कि इसी माह में हर हाल में काम लग जाएगा। विधायक जी पूरे वादा किए थे हमसे, पूरे वादा किए थे कि अंगद जी अनशन तोड़िए तोड़िए हम काम लगाएंगे इस महीना में, लेकिन नहीं लगाए, पूरा झूठा साबित हुआ है, पूरा झूठा, मतलब क्या कहा जाए। सांसद महोदय जी भी वही हाल है, उनका भी उनको वो भी कहे थे फ़ोन पर, उनका रिकॉर्डिंग भी सब चीज़ मेरे पास है।